बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो सुबह के बजने वाले हैं 6:30। अभी मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने। आज एक और एग्ज़ाम है, बस अब तो एक आज है, एक शनिवार को है, बस दो ही एग्ज़ाम रहे हैं। अभी जाते हैं और एग्ज़ाम दे के आते हैं। गांव में एकदम सन्नाटा, कोई नहीं दिख रहा है। एक दो मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा, बस सूरज निकल रहा है। शायद सीन यूँ है कि सुबह एग्ज़ाम दे के वापस एग्ज़ाम दे दिया था, उसके बाद कोई पड़ोस के गांव में शादी थी तो एग्ज़ाम दे के वहीं से डायरेक्ट वहां पर चला गया था। फिर दोपहर को 1 बजे के आसपास घर पर आया। फिर सुबह जल्दी उठ गया था तो नींद आ रही थी, सो गया था। अभी उठा था, अभी आया हूँ गांव में। एक भाई हैं, वो आए हैं गुजरात से, तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। और बाकी भाई लोग वो सब आज गुजरात गए हैं, गुजरात में शादी थी। मेरा एग्ज़ाम नहीं था तो मैं भी जाता, मगर एग्ज़ाम के कारण रह गया। कोई ना, शादियाँ होती रहती हैं, फिर जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी आया हूँ मस्जिद में, तो मस्जिद में कोई नहीं दिख रहा है। तो जो भाई गुजरात से आए हैं उनसे अब मिल लेते हैं। उनका कॉल आया था, कहाँ हो? मैंने कहा घर पर हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने, अभी ग्राउंड में है, तो जाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो गाइस सीन यूँ है कि अब हम जा रहे हैं, हमारे पड़ोस में हमारे नाना जी घर है, सामने उनका घर रहा, तो वहाँ जा रहे हैं। आज उनके घर पर कुछ फातिहा का प्रोग्राम था, फातिहा खानी करवा रहे हैं। तो अभी वह हम सब वहीं जा रहे हैं, हम सब मतलब मैं जा रहा हूँ, बाकी वाले भाई तो सब वहीं हैं। तो अभी आया हूँ घर पर पानी पीने, फिर जाते हैं उनके घर पर। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं घर पर, ये रहा सामने का घर। तो हम फाइनली नाना जी घर पर पहुँच चुके हैं, खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सब्जी है, चावल है और मीठे चावल हैं, तीन आइटम है। सब फाइनली खाना तैयार हो चुका है, बस कुछ ही देर में फिर मेहमान आते हैं, मेहमानों को खाना खिलाते हैं। हम अभी आ चुके हैं नाना जी की छत के ऊपर, खाना तो बन चुका है, अब मेहमानों को इंतजार हो रहा है। लगभग 8 बजे के आसपास खाना खिला देंगे। हम सब भाई लोग, गांव के सब भाई लोग यहाँ पर छत पे देख के क्या कहते हैं, इवनिंग व्यू देख रहे थे। आपको दिख रहा होगा सामने सूरज डूब रहा है, ये जस्ट सामने सूरज डूब रहा है। आपको जो हरे हरे दिख रहे हैं ना, क्या कहते हैं, फसल, ये हमारा खेत है और ये हमारा घोड़ों का अस्तबल, घोड़े उसके अंदर हैं वहाँ पे उस साइड, एक उस साइड है, एक सामने आपको कुछ झोपड़ा दिख रहा है उसके अंदर है। तो बस अब खाने का वेट हो रहा है। सामने है नाना जी का मेहमानों के लिए जो रूम बना हुआ, वो उनकी वो गाड़ी खड़ी है। ये हमारे नाना जी और ये सब भाई लोग खाना तैयार करके बैठे हैं, अपना काम पूरा कर लिया है। तो गाइस ये पूरा हमारा मोहल्ला है, सब हमारे रिश्ते में है। सामने रहा हमारा घर, ये नाना जी का घर, ये सब मतलब पूरा परिवार है एक। तो अब जा रहे हैं हम छत से नीचे, नीचे कोई काम आ गया तो वो करते हैं जाके, और खाने की तैयारी करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आ जाए मार्केट। भाई गाड़ी ख़राब हो गई थी, 2-3 दिन से गुजरात गए थे, तो अभी आए हैं गाड़ी को वॉश करवाने, फिर जाते हैं, एक शादी है वहाँ पर, तो अभी गाड़ी वॉश कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से वॉश नहीं करवाई थी और भाई गुजरात भी गए थे, तो आज सोचा वो गाड़ी वॉश करवा लेते हैं, गंदी भी हो गई थी गाड़ी।
कार वॉश हो चुकी है, अब जा रहे हैं शादी में। आप देख सकते हो एकदम क्लीन एंड कट हो गई है। आए थे उस टाइम गंदी थी, भाई का मन भी नहीं हो रहा था गाड़ी चलाने का। जाते हैं शादी में, बस अब बाहर निकाल रहे हैं गाड़ी। तो अभी आया था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कुछ काम था। आज संडे है तो स्टाफ हॉस्पिटल में, कुछ स्टाफ घर पर है, कुछ पीछे उनके क्वार्टर में है। तो मेरा कुछ काम था तो मैं आया था। तो आज की जर्नी, आज का व्लॉग, जो दो तीन दिन का व्लॉग था, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।